नमस्कार, वेबदुनिया न्यूज में आपका स्वागत है। और हम बता रहे हैं कि कश्मीर में किस तरह टेक्नोलॉजी का गलत उपयोग हो रहा था। कश्मीर में पत्थरबाजों को जुटाने के लिए 300 व्हाट्सएप ग्रुप का खुलासा हुआ है। जी हाँ, कश्मीर घाटी में मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद किए जाने के बाद सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की वारदातों में आश्चर्यजनक रूप से कमी आई है। दरअसल घाटी में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में बाधा डालने और सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी के लिए युवाओं को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए उकसाया जाता था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि करीब 300 व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पत्थरबाजों को सुरक्षा बलों के ऑपरेशन की जानकारी दी जाती थी और उन्हें मुठभेड़ स्थल पर इकट्ठा कराया जाता था। अधिकारी के मुताबिक इनमें से अब 90% व्हाट्सएप ग्रुप बंद हो चुके हैं। इन 300 व्हाट्सएप ग्रुप में प्रत्येक में करीब 250 सदस्य होते थे। नाम जाहिर न करने की शर्त पर अधिकारी ने बताया कि हमने ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप और ग्रुप एडमिन की पहचान की और उनकी काउंसलिंग की। इस पहल का अच्छा नतीजा देखने को मिला है। पिछले 3 हफ्तों में इनमें से 90% से ज्यादा ग्रुप बंद हो चुके हैं। इंटरनेट सेवा निलंबित करने की सरकार की नीति के सकारात्मक नतीजे मिल रहे हैं और इससे मुठभेड़ स्थलों पर पत्थरबाजी पर लगाम लगी है। शनिवार को बड़गाम में मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकी ढेर कर दिए गए, लेकिन वहां सिर्फ कुछ युवक ही इकट्ठे हुए जिन्होंने सुरक्षा बलों पर पथराव किया। यह उसी इलाके में 28 मार्च को हुए एनकाउंटर के एकदम उलट है, जहां बड़ी तादाद में पत्थरबाज इकट्ठा हुए थे और उनमें से 3 सुरक्षा बलों की फायरिंग में मौत हुई थी। सूत्रों के मुताबिक इंटरनेट सेवा न होने से भीड़ को इकट्ठा करना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। इससे पहले हम देखते थे कि 10 किलोमीटर दूर तक से युवक मुठभेड़ की जगह पर आ जाते थे और प्रदर्शनकारियों में शामिल होकर सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी कर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में बाधा पहुंचाते थे।